बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, बंदाओ सबके पद कमल सदा जोरी जुपान। आदरणीय मानस के प्रेमी श्रोता संत समाज, ममता मई महतारी मन, निर्छीर विवेकी निर्णायक मन, मानस कार्यक्रम रूपी रथ की है कैया भगवान श्री कृष्ण स्वरूप मन संचालक जी, परमात्मा श्री रामचंद्र जी के पावन धराधाम में विराजे, दशरथ के समान मर पिता मल्ला, कौशल्या के समान मर महतारी मल्ला, राम लक्ष्मण भरा शत्रुघ्न के समान मर भैया मल्ला, सीता सावित्री उर्मिला मांडवी के समान मर बहनी मल्ला, डेहरी की अंजोर करैया छोटे छोटे नान्हे नान्हे लैका मल्ला, अवैया जवैया गवैया बजैया देखैया सुनैया, भोजन भंडार में सबल भोजन प्रसादी देवैया भंडारी भैया मल्ला, राम कथा पंडाल के आयोजन करने वाला समस्त आयोजन करता भैया मन के श्री चरण कमल में, गांव के डीही डोंगर देवी देवता आप सबों के श्री चरण कमल में, गांव के बुजुर्ग सियान आप सबों के श्री चरण कमल में, साउंड सर्विस के माध्यम से मोर आवाज जहां तक पहुंचाते वहां तक आप सबों के श्री चरण कमल में, सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। यही भावना के साथ हमार नौ ज्योति महिला मानस मंडली ग्राम भाठा गाँव तहसील कुरुत जिला धमतरी राजधानी रायपुर न्यायधानी बिलासपुर संस्कारधानी राजनांदगांव छत्तीसगढ़ कोटि कोटि प्रणाम करथन हृदय से स्वीकार करो। अब राम कथा में यात्रा करे से पूर्व सर्वप्रथम श्री सिद्धि विनायक गणेश जी महाराज के चरणों में श्रद्धा के सुमन भाव के पुष्प अर्पित करथन, तेकर बाद राम कथा में करवो यात्रा। बोलिए गजानंद स्वामी की जय। हरि हरि। मंत्री काही जानो नहीं कीर्तन आवे कैसी उरिया मैं मन माइक आस हवे आस संग विश्वास हवे जगत नियंता राम मोरे तो ही लास उरिया तो ही रासुरिया वो में तो ही रासुरिया वो में सियावर राम चंद्रदेव की जय। गणपति गणराजा भक्तजन दुर्भाग्य
हरिओम श्री राधा श्री राधा श्री राधा ओ कम मत करो श्री राम वर्णनामार्थ शंघाना रसनाम छंद समपी मंगलानाम चकर तारा वंदे वाणी विनायक नीलांबुज श्यामल को मलांगम सीता समारोह पितवाम भागम पाणमहासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवयं मारुत तुल्य वेगं
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मयं वानर्युत्तमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, गोस्वामी तुलसीदास की, शीतला मैया की, ग्राम के देवी देवताओं की, स्थान के देवी देवताओं की, अपने अपने माता पिता की, मंच में बैठे तत्का जन मन शांत हुआ। तू मन बताओ, मैं जयकारा लगाए हूँ तो जय की है, जय के हो एडान के मन के हो। एक बूंद भी मोर कान में आवाज नहीं आए है, पता नहीं कत का कंतु मन जय के हो कि हाय के हो कि हल गए के हो, ओला तू ही मन जानो। लेकिन मोर कान तक आवाज नहीं आए हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सबके आवाज बहुतायत के संख्या में आप हो तो आप सबके आवाज भी मोर तक पहुँचना चाहिए बिना ये साउंड के। अब ये मन एकदम शांत रही ना, शांत करवा दे, आप सब आवाज लगाना है, ठीक है? कैसने आवाज लगाना है? जयकारा लगाना है और ताली बजाना है। मच्छर घूमा थे वो मच्छर अभी भगाना है और साथ में ताली बजा जयकारा लगाना है, ठीक है? चलिए तैयार, बोलिए सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, गोस्वामी तुलसीदास की, शीतला मैया की, ग्राम के देवी देवताओं की, स्थान के देवी देवताओं की, जय बोले ये मन की और नहीं बोले ये मन की। श्री राम, श्री राम, मैं देखा रहे हो इकर मन के दम नहीं लगत है ना, जोर नहीं है, तेकर सती मोर आवाज ज्यादा हो गया तब मोला खरावट गलम खरास खिच खिच। चलिए प्रातः स्मरण, संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के लेखनी के अनुसार पंचम सोपान सुंदर कांड दोहा नंबर 58 के छठवी लाइन के चौपाई मरबटवारा में प्रसंग पुष्प के रूप में मिले हैं, जिन प्रसंग के ऊपर में मोला चर्चा करना है। आइए आप सब ले चलो, बिना मेहनत, बिना पैसा, बिना कारण, बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ भावना से सीधा सीधा चलिए रामेश्वरम की ओर, रामेश्वरम के लिए प्रस्थान। रामेश्वरम के वो पावन धारा धाम, जी हाँ, भगवान श्री रामचंद्र जी हाँ सेतु बांध बांधे के पूर्व, अपन पूर्वज ला राम जी के पूर्वज कौन हरे समुद्र देवता, वो अपन पूर्वज ला अनुनय विनय निवेदन प्रार्थना दोनों हाथ जोड़ के भगवान राम जी के द्वारा कावर करिस, कावर की विभीषण जी महाराज और जामवंत जे हाँ भगवान राम जी के सेना में वयोवृद्ध है, बुजुर्ग है, जे सियाने वो कौन है? जामवंत हरे। और विभीषण जी महाराज कौन है? तो विभीषण हाँ लंका के होने वाला भावी राजा है। वो दोनों जन के बात के अनुसार भगवान राम जी ला सबसे पहली प्रार्थना करना रही से कि राम समुद्र तो तर पूर्वज हो सकते अपन वंशज ला अगर आशीर्वाद दे दी जगह दे दी तो बहुत आसानी से हमार वानर सेना हाँ उस पार जाए जा सकते। भगवान राम जी ला प्रार्थना करे बर की ही रास्ता मांगे बर, और राम जी प्रार्थना करे हैं तो कब तक के दिन के घंटा प्रार्थना करे हैं? 3 दिन तक भगवान राम हाँ 3 दिन तक प्रार्थना करे हैं, और 3 दिन के प्रार्थना में भी समुद्र देव हटस ले मस नहीं हुई। बाबा जी महाराज लिख दिसका विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, अब बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रेत।
तीन दिन तक हाथ ला जोड़ के कमर इतना पानी में जाके भगवान राम जी समुद्र देवता ला अपन पूर्वज ला मनाए हैं, लेकिन समुद्र देवता नहीं मानी। भगवान राम जी की इसकी लक्ष्मण तीन दिन बीत गए, तीन दिन में प्रार्थना करत हूँ 72 घंटा हो के मोला खड़े खड़े, लेकिन समुद्र देव हालत डोलत नहीं है। एक काम कर, मोर धनुष बाण ला लेके आ, अभी के अभी मैं अग्नि बाण के संधान करूँ और अग्नि बाण के द्वारा तुरंत ये समुद्र ला में 1 मिनट नहीं लागे पूरा सूखा कर दूंगा। और लक्ष्मण जी महाराज अतकल सुनिस ना तो ऐसने इसने बात ला सुन के ना एकदम खुश हो जाते हो। कौन है? लखन लाल। और भगवान राम जी तो लक्ष्मण ले ही बोले है ना, लक्ष्मण ला धनुष बाण मंगवाई तो लक्ष्मण एकदम तुरंत 1 मिनट के देरी नहीं करी, तुरंत गी सो धनुष बाण धर के लानी सो राम जी ला दे के किस ले प्रभु मैं पहली जानत रहे हूँ। इसने वही की के काला पहली जानत रहे हूँ माने तोर प्रार्थना ला यह स्वीकार नहीं करे, तोला शस्त्र उठाना ही पड़ी ये ला मेहनत जाना रहे हो तो शस्त्र उठाए में उधेरी मत कर, पहली कर रहे तो 3 दिन का समय हमार मन के बर्बाद नहीं होती लक्ष्मण जी महाराज के अनुसार। लेकिन भगवान राम का कहिस कि नहीं, जिन काम हम बात से हो सकते वहाँ पे हाथ उठाए के जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, और जिन काम हम बात से नहीं हो तो हमार तो सियान मन कहेगा अगर बातों का भूत बातों से नहीं मानता तो उसको लातों से मनवाया जाता है, और घी अगर सीधी उंगली ना निकले तो घी को निकालने के लिए डिब्बा में उंगली ले जाके तीर्छा करके उंगली टेढ़ी करके घी को निकाल लेना चाहिए। राम जी ने फंडा बताया है कौन है, जामवंत है, और जामवंत की राम ऐसा मत कर। अब राम ला ऐसा मत कर कि इस, लेकिन राम के हाथ में जब धनुष बाण ला देखी सब अग्नि बाण के संधान हुआ ना तो समुद्र देवता प्रकट हो गए और दोनों हाथ जोड़ के निवेदन करी कि इसकी राम समुद्र का हरे पानी का हरे आग पानी हवा कभू काकरो कंट्रोल में नहीं रहा है, कभू काकरो संतुलन में नहीं रहा है। आज तक कभू कोई ये नहीं सुने हन कि जिन हवा चारों दिशाओं में बहत है दिन रात 24 घंटा 8 प्रहर जिन हवा बहत है वो हवा काकरो कंट्रोल में है, ओला हमार गांव के मुखिया चलावत है या हमार गांव के कोनो मालगुजार चलावत है या हमार देश के प्रधानमंत्री चलावत है या राष्ट्रपति चलावत है, ऐसे कोनो सुने हो नहीं। ये केवल प्राकृतिक देन है, ये प्रकृति के नियम है जेकर से ही ये संसार चलत है। समुद्र देवता प्रकट हुई दोनों हाथ जोड़ के कि इसकी राम ये जो बाण के संधान करे हस ना अगर ये बाण ला छोड़ देवे तो समुद्र के भीतर में रहने वाला जितना जलचर प्राणी है बिना अपराध के अपराध अमन मारे जाहि राम तेकर सेती तोला अगर वश में करना है तोला अगर कंट्रोल में करना है तो एक काम करना का ढोल गंवार शूद्र पर सुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अरे ये मतलब सब ला अगर अपन वश में करना है अपन कंट्रोल में करना है अपन काबू में करना है कौन ना ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी 5 ये 5 ऐसे हरे जेकर बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताते कि अलग अलग जगह अलग अलग वेश अलग अलग परिवेश और अलग अलग प्रकार एकर दिखाए जाते हैं। लेकिन कब कहां कैसे भाई अभी तक हमन ये नहीं सुने हन कि काटे पै कदरी फरई कोट जतन कोसीच विनय न मान खगेश सुनू डारही पर नव नीच। आज तक कभी भी मैं अपन लाइफ में नहीं सुने हो जीवन में नहीं सुने हो और शायद ही अगर कोई नहीं सुने हो का कि केला के पेड़ जो होते हैं वो केला के पेड़ में केवल एक ही बार घेरा आते हैं एक ही बार केला के फल फलते दूसरा बार और फल लगी फूल लगी कमे ते हजार प्रकार के वाला जतन कर हजार प्रकार के खातू पानी माटी डाल पानी के जगह में ते गंगा जल भी वहां रोज के डाल लेकिन केला के पेड़ में डबल फसल होने वाला नहीं है। केला के पेड़ में और फसल लेना है तो जिन केला के पेड़ में एक बार केला के घेरा आ गए वो पेड़ ला काट देना पड़ते और दूसरा जब नया ओकर शाखा निकलते नया ओमा से पेड़ उगते ओह जब बड़े होते तब ओमा केला के पेड़ पुनः फलते।
और एकर पहली कभू केला है, दो बार फरे है, ऐसे की देखे हो का नहीं देखे हैं, लेकिन पता नहीं अब कहां कहां ले व्हाट्सएप के माध्यम से केला में कभू दो बार ले घेरा उतरत हैं, केला में दो तीन ठन एक ही बार घेरा उतरत हैं, न जाने कैसन कैसन कहां कहां से व्हाट्सएप में दुनियादारी वायरल होत रहते हैं। लेकिन हम जिन जमाना में जिन जगह में रहतन, हम अपन छत्तीसगढ़ में, वो छत्तीसगढ़ में शायद मैं कभी अभी तक सुने नहीं हो और ना ही देखे हो। तो भगवान राम जिला यही बताएगी इसकी, राम ये सब केवल सृष्टि के रचना के लिए है, और ये ग्रंथ में भी ये सब गाए गए हैं कि स्वामी जैसे आज्ञा देते उसी प्रकार से रहे, में सब ला सुख मिलते, सब ला आनंद मिलते। तो राम ये सब ला भगवान के इच्छा मान के, कौन ला ढोर ला गवार शूद्र पशु और नारी, ये सब ताड़ना के अधिकारी, शिक्षा के अधिकारी, ये मतलब अपन वश में करना है, ये मतलब अगर अपन काबू में रखना है तो निश्चित है एकर मन के लिए अलग अलग उपाय है, और यही उपाय ला राम तो ला करना पड़ेगी। अब राम जी ये सब ला कंट्रोल में करे बर, ये सब ला अपन वश में करे बर कैसन प्रकार से तरकीब लगावत है, बोला आवाओ देखते एक प्यारा सा भजन के बाद, बोलिए सियावर रामचंद्र की। सियावर राम चंद्र देव की जय, राजा
प्रभु प्रताप मैं जाब सुखाई, उतर ही कटक न मोरी बड़ाई, प्रभु अज्ञा अपेल श्रुति गाई, करा सो बेग जो तुम्हें सुहाई। भगवान राम जी जेकर हाथ में अग्नि बाण ल देखी तो समुद्र देवता के मन में हलचल हो गए, समुद्र देव घबरा गए और घबराहट के मारे किस किए प्रभु हे राम। अगर कहीं नियति है अपन नियम ल बदल दे, मने विधाता हा अपन नियम ल कहीं बदल दे तो भी ये कार्य संभव नहीं है जिन ते अपन वश में करना चाहता। कौन कौन सा? सबसे पहली पानी, वो पानी जे चाहे तालाब में हो, सरोवर में हो, समुद्र में हो, कुआं में हो, या फिर घर में गंजी में ही क्यों ना पानी हो, वो पानी में ते देख ले गंजी में पानी है और पानी में बीचों बीच लकीर खींच के देख लेते हैं हम। गंजी पानी में बीचों बीच लाइन खींच ले, एक सेकंड नहीं लागे तो हाथ ऊपर उठे नहीं और पानी एक बराबर हो जाए। माने कभी भी पानी ला दो भागों में नहीं बांट सकते हैं। जब दो भाग में बांटे के तर पास में ताकत नहीं है, हैसियत नहीं है, तब पानी ला अनंत भागों में कैसे बांटवे? अगर तो ला पानी ला विभक्त करना है तब पानी ला ओमे से निकालना पड़ी। कहाँ से? गंजी से पानी ला तो ला निकालना पड़ी और पानी के कुछ अंश ला बस अलग कर सकता, लेकिन पानी ला दो भागों में नहीं बांट सकस। या पानी ला हाथ में लेके, मुट्ठी में लेके अगर ते कहीं जाऊं कबे तो पानी एक ऐसे तरल पदार्थ हरे जेन पानी ला मुट्ठी में लेके ते कहीं जा नहीं सकस। ये संभव नहीं है, असंभव बात। हवा ला अगर अपन कंट्रोल में करूं कबे तो हवा भी अनकंट्रोल है, हवा भी काकरो कंट्रोल में काकरो वश में होने वाला नहीं है। हवा ला अगर कंट्रोल में करना है, हवा ला अगर वश में करना है तो हवा के लिए एकदम परफेक्ट है। गुब्बारा वाला होते ना मड़ई मेला मन में आते, बाजार मन में देखे हो फुग्गा वाला, वो फुग्गा वाला मन हा हवा ला कंट्रोल में करते। कैसे? जतका मड़े होकर फुग्गा है ओमा ओमन हवा डालते और हवा डाला आजकल तो मुंह फुलाए नहीं ओमन हा ओकरो बारू कर्मन कर छोटे छोटे वाला अतका बड़े बड़े पंप आ गए, वो हवा उहिम डाली गुब्बारा में तो हम डाला थे वो गुब्बारा डालत डालत अगर कहीं तीसरा व्यक्ति के साथ और बात करे बार धर ली और बात करत करत कहीं हवा डाला थे वो फुग्गा में तो डालत डालत दो पंप अगर हवा उप रहा हो गए तो अनकंट्रोल माने वो फुग्गा फूट जाते। जितना ओकर लिमिट है, जितना बोला आवश्यकता है वो गुब्बारा में हवा के, उतना ही गुब्बारा में हवा डाले जा सकते हैं। और ये हवा ला कंट्रोल में करना, अपन वश में करना संभव नहीं है। बस भगवान राम जिला ये उदाहरण दे के बताइस कि राम अगर तोला ये समुद्र ला बांधना है, ये समुद्र ला पानी ला अगर जगह मांगना है तो राम मैं जगह तो नहीं दे सको, रास्ता नहीं दे सको, लेकिन तोला उपाय जरूर बता सकता हूँ जिन उपाय से तोला सस्ता और सरल रास्ता मिल सके। और रास्ता एकाएक मोला दे कबे राम तो ये है संभव नहीं है। संभव काबर नहीं है भाई? दुनिया में असंभव जैसे कोई चीज नहीं है और असंभव जैसे कोई शब्द नहीं है। हर चीज संभव है लेकिन अभी असंभव काबर नहीं है समुद्र ला रास्ता देना। राम जिल बताइस की राम ते तो मोर वंशज हरस और ते आके मला रास्ता मांगा थस तो मैं तोला एक इंसानियत के नाते, रिश्तेदारी के नाते मैं तोला रास्ता दे दूं, अपन पानी ला दो भागों में विभक्त कर दूं तोला रास्ता मिल जाए। लेकिन ये परमार्थ के कारण होई और इही करा अगर कोई राक्षस प्रवृत्ति आगे, कोई राक्षस आगे जबरदस्ती करने वाला आगे तो वो अपन स्वार्थ के खातिर, अपन स्वार्थ के खातिर दबाव डाल के मोर जान ला लेके या फिर मोर गले में बंदूक टिका के तलवार टिका के वहू यही काम ला करी, वहू रास्ता मांगी तो वो समय में मजबूर हो जाऊं। अकारण ही
मुला वोला रास्ता देना पड़ी। तेकर सेती राम ये नियति को जो नियम है विधाता जी लिखे है ये नियम सबके लिए है, ये ला तोड़ना संभव नहीं है। केवल एक सरल रास्ता तोला बता सकता हूँ। समुद्र देवता रास्ता बताई इसकी कैसे प्रकार से उस पार जाए के लिए आसान रास्ता बनाए जा सकते हैं। अब ढोल गवार सूत्र प्रसुनारी अब ये सब मल्ला किस प्रकार से शिक्षा देना है, किस प्रकार से अपन वश में रखना है, तो बाबा जी महाराज लिखी ढोल के मतलब काय होते हैं। ढोल के मतलब अभी तक के जतका जन सुने हो ही ना ओमन ढोल मतलब ऐसे बजाने वाला ढोल उसने वाला जान था ना उसने वाला ना ढोल के अलग अलग जगह में अलग अलग एक शब्दार्थ हो जाते हैं, अलग अलग जगह में अलग अलग एक विश्लेषण भी होते हैं। ये करा बाबा जी महाराज ढोल लिखे हैं तो एकर मतलब है मंद बुद्धि भी कहे जा सकते हैं, या ढोल के मतलब कम दिमाग वाला, या जेकर मनला डिसमिस किए जा सके बोला अगर तोला कंट्रोल में करना है तो बोला हरि भक्ति सुनावे तो बोला समझ में नहीं आए, ओला मर्यादित रखबे तो इतना जल्दी वो हम मर्यादा में नहीं बंधे, लेकिन ओला कंट्रोल में करना है तो वो करे हिसाब से तोला थोड़ा सा ढलना पड़ी, तेकर बाद ओला अपन हिसाब से तोला ढालना पड़ी। गवार के लिए भी यही है। अब गवार भी कई प्रकार के होते ना, गवार मतलब गवार एक गाली भी होते, गवार मतलब गवैया भी होते, गवार मतलब सब्जी लभी एक सब्जी होते चुटचुटिया बहुल गवार कहते, गवार मतलब गांव गए गवार कहा, ये हमारे छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ी भाषा में नाना प्रकार के ओकर शब्द हैं। लेकिन बाबा जी महाराज की इसकी गवार उहिल कहे जाते जेन हम अपन मति के अनुसार कार्य नहीं करत है और अपन मति ल छोड़ के दूसरा की बुद्धि के अनुसार चले और दूसरा के अनुसार चल के अपन कार्य ला स्वयं बाधा को हो जाए, वो दूसरे के लिए गंवार है। शूद्र माने जो अशुद्ध जो निम्न प्रवृत्ति के है जो निम्न विचारधारा के है, जाति में भी निम्न जाति के हो जाते यही लही शूद्र कहे गए हैं। पशु के मतलब है पशु, आप सब जानते हो पशु मतलब सीधा सीधा शब्दों में अभी के भाषा में ले लें गाय गरवा वो है पशु। अब पशु लो तोला कंट्रोल में लाना है तो पशु तो कैसे कंट्रोल में करवे, पशु तो आखिर पशु है, जे समझदार नहीं है जेति मत जा कहा था तेती जावा थे और जेला मत खा कहा था तेला खावा थे, काकरो छेकेल छेकावत नहीं है काकरो रोके रोकावत नहीं है, आज के स्थिति में देख ले तो वही है पशु है। और पशु ल तोला रोकना है तो पशु ल का करना पड़ी, पशु के लिए एक खूंटा होते और खूंटा में ओला लंबा रस्सी करके ओला बांध दे जेला हम छत्तीसगढ़ी भाषा में गेरवा कथे कथे ना, वही गेरवा में लेके वो पशु बांध दे और वो खूंटा से लटका दे तो वो पशु है तोर वश में रही तोर कंट्रोल में रही और ओकर बाद तोला पशु ला अपन हिसाब से ते ओकर साथ कार्य कर। स्त्री स्त्री ला भी अपन हिसाब से रखना है तो सबसे पहली तुलसीदास जी महाराज लिखी कि स्त्री ला कैसे अपन अधिकार में रखना है कैसे वश में रखना है, तो स्त्री हाँ घर में ही पर्दा में ही रहते तब वो सुरक्षित है। और असुरक्षित कब होते हैं, जब अपन मर्यादा ला लांग के अपन मर्यादा ला भूल के अमर्यादित होके स्वयं लांग के जाए रास्ता पार करे, वो भी जब कोई अपन बड़े के कहे ला ना माने तब अमर्यादित होते और तब ही स्त्री है कंट्रोल से बाहर होते। लेकिन यहाँ पे लिखाए है ये सब शिक्षक के अधिकारी, अब बाबा जी महाराज का लिखे है सकल ताड़ना के अधिकारी संत चिन्मय आनंद बापू जी। एक बारे में बढ़िया प्रश्नोत्तरी करी से एक बार में सुने रहे हैं टीवी में कि ओला कोई मुंगेली जिला के कोई एक लड़की 22 साल की लड़की प्रश्न करी सोला कि गुरु जी क्या हम लड़कियां ताड़ने के ही अधिकारी हैं, क्या हमको ताड़ा ही जाएगा। ताड़ना के मतलब
ओ बिटिया नहीं समझ पाइस कि ताड़ना काला कथे ओ प्रश्न पूछत रहिस ओकर जवाब ओकरे अंदर रहिस ओ बिटिया नहीं समझ पाइस तेकर सेती महाराज ला पूछिस कि गुरुजी क्या हम स्त्रियों को हम लड़कियों को केवल ताड़ने का अधिकारी बनाए हैं। ताड़ना मतलब देखना, आंखें फाड़ के देखना, ऐसे कहते ना, मतलब आंखें फाड़ के देखना, घूर घूर के देखना, नजरें गड़ा के देखना, ये सब ताड़ना में आते। ताड़ना मतलब देखना ही है और कुछ नहीं। तो ताड़ना का मतलब ये नहीं। वो का पूछे रही से क्या हमको इस नजरिए से देखा जाता है कि हम घर से बाहर ना निकले, क्या इस नजरिए के अधिकारी हैं कि हमको सारे लोग दुनिया में ताड़ते ही रहे, देखते ही रहे। नहीं, ताड़ना के मतलब है देखना, उस नजरिए से देखिए आप उनको, स्त्री को। स्त्री आपके बराबर है उम्र में, तो उसको आप अपनी बहन, छोटी है तो बेटी, बड़ी है तो माँ, और हमजोली है, आपकी ही हम सफर है, तो वो केवल आपकी हम सफर है, किसी दूसरे की नहीं है। इस नजरिए से देखिए तो नारी हर जगह सुरक्षित है। और अगर नारी अपना ही कंट्रोल अपने आपे से बाहर करती है तो सकल ताड़ना की अधिकारी वहीं पे होती है। बाबा जी महाराज लिखिस कि प्रभु प्रताप जब मैं जाब सुखाई, अगर कहीं मोला सेना ला उस पार ले जाना है तो ये समुद्र सुखाए में मोला जरा भी टाइम नहीं लागे, बहुत जल्दी बहुत कम समय में मैं एक ही बाण में सुखा सकता हूँ। लेकिन नहीं, मैं अपन मर्यादा जानता हूँ कि बिना गलती के, बिना अपराध के काकरो ऊपर बाण चलाना संभव नहीं है, या कोई ला दंड देना ये उचित नहीं है। उतरा ही कटुक न मोरी बड़ाई, मोला उस पार जाना है तो एमा सेना ला उस पार लेगे बार मैं जबरदस्ती कोई ला दंड दो एमा मोर कोई प्रकार की बड़ाई नहीं है। समुद्र देवता की इसकी राम तोला उस पार जाना है तो केवल एक ही उपाय करना पड़ी, और उपाय एकदम सरल, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ है। बस मैं जो उपाय बताए हूँ वही उपाय लते कर राम जी, ओकर बाद ते हैं उस पार चल देवे। और ये ला सुन के राम के साथ साथ सब कोई प्रसन्न हो गए, सब आनंद चित्त हो गए। काबर की राम जी ला समुद्र ला कैसे बांधना है, कैसे उस पार जाना है, एकर मंत्र मिल गए तेकर सेती। आवा वागे कथा प्रसंग ला देखथन एक प्यारा सा भजन के बाद। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सियावर राम चंद्र दी तन मेरा माने औ मन में बसा लेगा प्रभु की नावला हाएगा प्रभु की नावला हाय ना हरि की नावला
सुनत विनीत बचन अति कह कृपाल मुस्काई जेहि विधि उतरै कपि कटकु तात सो करहु उपाय। समुद्र देवता भगवान राम ल बतावत हैं और भगवान राम ल कहिस कि राम समुद्र ला बांधना तोर लिए कोई बड़ी बात नहीं है राम। एकर सेती बड़ी बात नहीं है कि तोर सेना में बहुत बड़े बड़े वीर योद्धा बलवान मन हैं जेकर हाथों में जादू है। कैसन जादू है? नल नील नाम के दू जन वानर हैं। ओमन कौन हरे? ओमन विश्वकर्मा पुत्र है और वोकरे मन के पास में वो शक्ति है कि वो मन है जे पथरा ला जे पत्थर ला चट्टान ला पेड़ ला जेला भी छू दिस जेमा तोर नाम ला लिख दिस और ओमन हा ओला पानी में डाल दी ना तो सब चीज हा पानी में उफल जही। ये नल नील के हाथ में शक्ति है तो कैसना शक्ति है हा? ये कैसे शक्ति है भाई? अभी तक हमन जानथन कि अगर हमन हा अभी भी घर में पूजा पाठ करके तालाब लेबे फूल पान ला ठंडा करे बार और तालाब में डाल देबे ना तो कई ठन फूल ऐसे रहते जे फूल हलोक डूब जाते। लेकिन समुद्र देवता कहिस कि राम जी तोर सेना में ऐसे सेना है ऐसे बानर कपीस है जेकर मन के हाथ में छुए ले ही वो पानी में पत्थर उफल जही। ये कैसे शक्ति है? ये नल नील मनहना छोटेपन में बचपन में ही बहुत शैतान रही से और जब गुरुकुल में पढ़ात रही तब अपन उद्दंडता के कारण गुरु जी मन पढ़ावत रहा है गुरुकुल में तो वहाँ उठा उठा के उकर पुस्तक मल्ला उकर वेद ला आसनी ला सब चीज ला लेग लेग के नदी में बहा दे नदी में डाल दे और गुरु जी मन परेशान हो जाए गुरुकुल में पढ़ावत रहे था। एक दिन ओकर गुरुजी वाला श्राप दे दिस कि नल नील तुमन दू जन हो ना बहुत शैतान हो तुमन सब सामान ला लेके नदी में बहा देत हो आ हमन खोजत रहतन तेकर सेती आज के बाद मोर श्राप है तुम दोनों कुछ भी सामान ला पानी में डालो मोर श्राप है कि पानी वो चीज है डूबे नहीं करे वो उफल जाए। और ओ दिन से ए नल नील मन खेलत खेलत कतको सामान ला पानी में डाले तो पानी में डूबे नहीं वो ऊपर आ जाए तो औ साधु महात्मा मन जाए और पानी बिन बिन के वो सामान मन लान ले। लेकिन आज नल नील जब बड़े हो गए तब वो श्राप आज वरदान सिद्ध हुआ थे एकर सेती कि राम काज में वो काम आने वाला है तेकर सेती श्राप भी वरदान सिद्ध होते थे। कब? जब हमार कोई कार्य है स्वार्थ ला छोड़ के परमार्थ में लग जाए तो परमार्थ के हर वो कार्य सफल होते और यही ये पावन प्रसंग के विशेषता है। आवो पीला बत्ती के संकेत 5 मिनट है शेष और ये 5 मिनट शेष ला बनाना है विशेष तो चलिए एक प्यारा सा फाग गीत आप सबके बीच में तेकर बाद में लेबो विदाई। बोलिए सियावर रामचंद्र की। सियावर राम चंद्र देव की जय झन जा राधा हो बेला ले लाल वो झन जा राधा हो बेला ले लाल वो चारो मुड़ा उड़ थी गुला चारो मुड़ा उड़ते thank you.
बिहारी लाल की जय।